शाहगंज बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव रखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा अर्चना के साथ की गई। कार्यक्रम में कॉलोनी के निवासी मौजूद रहे। शाहगंज बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव रखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा अर्चना के साथ की गई। कार्यक्रम में कॉलोनी के निवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद भगवताचार्य पंडित गरिमा किशोरी ने बताया कि सनातन धर्म को साक्षी मानकर यह संगठन कार्य करेगा, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए संस्था धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। आज शिव मंदिर पर रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव रखी जा रही है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती बबीता पाठक जी हैं और बहुत सारी माताएं इसमें सहयोग कर रही हैं अपना। जैसे अभी आरंभ में मैया ने बताया कि यहाँ पर हम जो अपने हिंदू धर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है, इसलिए सभी हिंदुओं को जागरूक होने की बहुत 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 आवश्यकता है। तो सारी माताओं ने रुद्राक्ष फाउंडेशन के द्वारा ये भविष्य में आने वाली कहीं ऐसी स्थिति भारत में ना हो जाए, वैसे तो होगी नहीं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन फिर भी हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। अदर जो धर्म हैं वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। शाहगंज बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव कार्यक्रम में मौजूद संगठन से जुड़ी महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। रुद्राक्ष फाउंडेशन की मैं महासचिव हूँ और आज हमारे सावन के महीने में रुद्राक्ष फाउंडेशन का नींव रखा गया है और सारी महिलाएं इसमें शामिल है। और इस फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हमें अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है, इसको बढ़ावा देना है, जो कि बच्चे हमें भूल रहे हैं। कई ऐसा ना हो कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है कि हमारे भारत में भी ये नौबत आए, इसलिए हमें बच्चों को जागरूक करना है। और इसके साथ हमें कन्याओं की शिक्षा, कन्याओं का विवाह और उनसे संबंधित मतलब नारियों को, नारी के उत्थान के लिए जो भी कार्य होंगे इस फाउंडेशन द्वारा किए जाएंगे। आगे आने वाले समय में धार्मिक केंद्र की भी इस तरीके की स्थापना करेंगे, जिसमें हमारे आने बच्चों को हमारे संस्कारों का, अपनी संस्कृति का कम से कम दोहे को पढ़ना तो सीखे कि दोहा क्या होता है, सोटा क्या होता है, छंद क्या होता है, वो इस चीज़ को जाने। तो इसी के उसमें हमारा कार्य होता रहेगा, हम निरंतर धार्मिक क्षेत्र पर कार्य करते रहेंगे। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें इस कार्य को करने की हमें शक्ति प्रदान करें। हमारी सहयोगी वंदना गुप्ता जी, योगिता शर्मा जी, रेखा जी और क्या कहते हैं दक्षिणा शर्मा जी, इंद्रा सारस्वत जी और संतोष जी और मीना अग्रवाल जी और कुसुम जी, हमारी काफी बहनें हैं जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भगवताचार्य पंडित गरिमा किशोरी का रुद्राक्ष फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने गर्मजोशी से सम्मान किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।